अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसएस बटन्स। सीएसएस बटन जो है वो हम यूज करते हैं, डेकोरेट करते हैं जब वेब पेजेस को क्रिएट कर रहे होते हैं, अप्लाई करते हैं वेरियस स्टाइल प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए बटन हम जो है वो ऐड करते हैं। बटन जो है वो हम यूज करते हैं फॉर इवेंट प्रोसेसिंग के लिए, जो इंटरेक्टिंग दे रहा होता है यूजर के साथ, और जब हम सबमिट कर रहे होते हैं फॉर्म वगैरह क्रिएट करते हुए, तो इस तरीके से हम जो है वो सीएसएस बटन को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सबमिटिंग अ फॉर्म टू गेटिंग टू व्यू सम इन्फॉर्मेशन वी हैव टू क्लिक ऑन बटन्स। बटन टैग इज यूज टू क्रिएट बटन्स इन एचटीएमएल। बटन टैग जो है वो हम यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं बटन एचटीएमएल में। एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल में डिस्क्राइब किया गया बटन टैग को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल हेडिंग, जिसके अंदर आप टाइटल पुट कर रहे हैं, बटन टैग हेडिंग क्लोजिंग टैग्स, बॉडी ओपन टैग जिसके अंदर आप हेडिंग वन पुट कर रहे हैं, गीक्स फॉर गीक हेडिंग टू बटन टैग बटन और बटन क्लोजिंग टैग, बॉडी और एचटीएमएल जो है क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे गीक्स फॉर गीक बटन टैग, यहाँ पे बटन का जो है वो एड किया गया जिसको आप क्लिक कर सकते हैं। बेसिक स्टाइलिंग इन बटन सीएसएस प्रॉपर्टीज में जो है वो हम यूज करते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के बटन एलिमेंट जो डिस्क्राइब किए गए हैं। बैकग्राउंड कलर, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द बटन। सिंटैक्स एलिमेंट, बैकग्राउंड कलर, कलर नेम। इस एग्जांपल में डिस्क्राइब किया गया बटन को विद बेसिक स्टाइलिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, वेयर द बैकग्राउंड कलर इज अप्लाइड टू द बटन। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल हेडिंग ओपनिंग टैग है, टाइटल पुट किया गया बटन, बैकग्राउंड कलर टाइटल, क्लोजिंग टैग स्टाइल ओपनिंग टैग है जिसके अंदर बटन पुट किया गया, बॉर्डर नेम कलर व्हाइट, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर जो है वो आपने इसमें पुट करना है। पुट करने के बाद जो है वो फॉन्ट साइज पुट किया गया 20 पिक्सल का। यहाँ पे जो है वो बटन वन पुट किया गया जिसमें सेट बटन बैकग्राउंड कलर रेड पुट किया गया, बटन टू जिसमें सेट किया गया बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू पुट किया गया, उसके बाद बटन कलर जो है वो ग्रीन है, बटन फोर है जिसमें कलर येलो पुट किया गया। स्टाइल और हेडिंग क्लोजिंग टैग, बॉडी ओपनिंग टैग जिसमें बटन क्लास पुट की गई है 1, 2, 3 और 4 रेड ब्लू ग्रीन एंड ब्लू, तो बॉडी एचटीएमएल क्लोजिंग टैग। आउटपुट जी आओ यहाँ पे आप देखें रेड बटन है, ब्लू बटन, ग्रीन बटन है, येलो बटन जी आओ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर। बॉर्डर है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बॉर्डर ऑफ द बटन। सिंटैक्स एलिमेंट, बॉर्डर स्टाइल, इस एग्जांपल में डिस्क्राइब किया गया बटन को विद द बटन जो है बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल हेडिंग टाइटल बटन बैकग्राउंड कलर स्टाइल पुट किया गया, बैकग्राउंड कलर रेड है, कलर व्हाइट पुट किया गया, टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज पुट किया गया, बटन वन है सेट बॉर्डर प्रॉपर्टी और बॉर्डर नेम पुट किया गया, बटन टू है जिसमें सेट बॉर्डर प्रॉपर्टी ब्लैक सॉलिड पुट किया गया, यहाँ पे जो है वो सेट बॉर्डर प्रॉपर्टी बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड डैश पुट किया गया, बटन फोर सेट बॉर्डर प्रॉपर्टी जो है वो 2 पिक्सल ब्लैक डबल जो है वो पुट किया गया इसमें। इसके बाद जो है वो बटन फाइव है सेट बॉर्डर प्रॉपर्टी स्टाइल और हेडिंग क्लोजिंग टैग, बॉडी ओपनिंग टैग जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं बटन 1, 2 और 3 और 5 नन सॉलिड डैश डबल ग्रूव, तो यहाँ पे देखें पहला नन है, दूसरा सॉलिड है, तीसरा डैश है, डबल और ग्रूव जो है यहाँ पे बटन की फॉर्म जो है पुट की गई है। आउटपुट जो है यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी एचटीएमएल के बाद। कलर है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द बटन। द कलर वैल्यू कैन बी सेट इन टर्म्स ऑफ द कलर नेम, कलर जो है वो हेक्स कोड ईटीसी। सिंटैक्स एलिमेंट, कलर स्टाइल पुट किया गया, दिस एग्जाम्पल में डिस्क्राइब किया गया बटन को कलर प्रॉपर्टी के साथ। HTML document type, HTML heading opening tag, button put किया गया, background color, title, closing tag, style है जिसके अंदर आप background जो है color put कर रहे हैं red, border name, border none है, text line center है, font size है और button जो है one put किया गया। इसके बाद set the color of text जो है color white, button two set the color of text color black, button three set the color of text color blue, style और heading closing tag से represent करना है। body opening tag जिसमें put किया गया button class, बटन 1, 2 और 3 व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू, बॉडी एचटीएमएल क्लोजिंग टैग्स, आउटपुट किया व्हाइट है, ब्लैक और ब्लू जी इस तरीके से बटन जो है वो डिस्प्ले किया गया। पैडिंग है, इसमें हम यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं पैडिंग इन दी बटन में। सिंटैक्स है एलिमेंट, पैडिंग स्टाइल पुट किया गया, इस एग्जाम्पल में डिस्क्राइब किया गया बटन को विद द पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल हेडिंग ओपनिंग टैग टाइटल पुट किया गया, बटन पैडिंग प्रॉपर्टीज टाइटल क्लोजिंग टैग, स्टाइल ओपनिंग टैग जिसके अंदर आप बटन पुट कर रहे हैं, बॉर्डर नेम, फॉन्ट साइज पुट किया गया, बटन वन है, बटन जो है बैकग्राउंड कलर रेड है, पैडिंग 15 पिक्सल और 32 पिक्सल है, बटन टू है जिसमें बैकग्राउंड कलर पुट किया गया ब्लू, पैडिंग पुट किया गया, बटन थ्री जिसमें जाओ पुट किया गया बैकग्राउंड कलर वगैरह। इसके बाद बटन फोर है स्टाइल और हेडिंग क्लोजिंग टैग्स है, बॉडी है जिसके अंदर आप बटन क्लास पुट कर रहे हैं 1, 2 और 3, 4
यहाँ पे जो है वो उनकी लेंथ वगैरह पुट किए गए 15 32 पिक्सल। यहाँ पे देखें इस तरीके से बटन आप ऐड कर सकते हैं उनकी लेंथ वगैरह को पुट करके उसकी पिक्सल वगैरह को। फॉन्ट साइज दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन द बटन चेंज द पिक्सल वैल्यू टू गेट द डिजायर्ड साइज। सिंटैक्स एलिमेंट फॉन्ट साइज स्टाइल दिस एग्जांपल में डिस्क्राइब किया गया बटन को विद द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी टू एडजस्ट द फॉन्ट ऑफ द बटन। HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग ओपनिंग टैग टाइटल जिसमें बटन पुट किया गया फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी टाइटल क्लोजिंग टैग स्टाइल ओपनिंग टैग जिसमें बटन पुट करना है पैडिंग है 15 पिक्सल 32 पिक्सल बॉर्डर नन फॉन्ट साइज 16 पिक्सल बटन वन है बैकग्राउंड कलर रेड है फॉन्ट साइज 10 पिक्सल है और बटन टू है जिसमें पुट किया गया बैकग्राउंड कलर ब्लू है फॉन्ट साइज बैकग्राउंड कलर ग्रीन है फॉन्ट साइज 20 पिक्सल है। फोर है जिसमें जो है वो बैकग्राउंड कलर येलो है फॉन्ट साइज 30 पिक्सल है स्टाइल और हेडिंग क्लोजिंग टैग। बॉडी ओपनिंग टैग जिसके अंदर आप बटन क्लास पुट कर रहे हैं B1 B2 and 3 4 और यहाँ पे जो है वो पिक्सल वगैरह पुट की गई है 10 15 20 and 30। बॉडी HTML क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 15 20 and 30 जो है इस तरीके से बटन जो है वो रिप्रेजेंट होगा। बॉर्डर रेडियस दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द बॉर्डर रेडियस ऑफ द बटन इट सेट्स द राउंडेड कॉर्नर्स ऑफ द बॉर्डर। सिंटैक्स एलिमेंट बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज एग्जांपल में डिस्क्राइब किया गया बटन को विद द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज के साथ। HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग टाइटल पुट किया गया बटन बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी टाइटल क्लोजिंग टैग स्टाइल ओपनिंग टैग जिसमें बटन पुट किया गया पैडिंग है रेडियस है पैडिंग पुट किया गया बॉर्डर और फॉन्ट साइज जो है आपने पुट करना है इसमें। इसके बाद बटन वन है जिसमें बैकग्राउंड कलर रेड है और बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल है। बटन टू है जिसमें ब्लू और 6 पिक्सल है ग्रीन और 10 पिक्सल जो है आपने पुट करना है बैकग्राउंड कलर और रेडियस। इसके बाद येलो 20 है ऑरेंज एंड 50 है स्टाइल और हेडिंग क्लोजिंग टैग्स। बॉडी है जिसमें आप जो है बटन क्लास पुट कर रहे हैं B1 B2 B3 and 4 3 6 10 20 and 50। इसके बाद जो है वो बॉडी HTML क्लोजिंग टैग। आउटपुट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पुट किया गया जिसमें 3 है और 6 है 10 है 20 and 50 पिक्सल पुट किया गया स्टाइल वगैरह भी। इसके बाद आता है बॉक्स शेडो दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू क्रिएट द शेडो ऑफ द बटन। बॉक्स सिंटैक्स है बॉक्स शेडो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट वर्टिकल ऑफसेट ब्लर रेडियस ऑप्शनल स्प्रेड रेडियस कलर। इस एग्जांपल में डिस्क्राइब किया गया बटन विद द बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग पुट किया गया टाइटल बटन बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी टाइटल क्लोजिंग टैग स्टाइल है जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं बटन पैडिंग है बॉर्डर नेम पुट किया गया फॉन्ट साइज कलर व्हाइट जो है आपने इसमें पुट करना है। इसके बाद आप जो है पुट कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन है शेडो बॉक्स शेडो पुट किया गया उनके रेंजेस वगैरह उनके पिक्सल वगैरह स्टाइल हेडिंग क्लोजिंग टैग्स। बॉडी ओपनिंग टैग जिसमें बटन क्लास पुट की गई है शेडो वन बॉडी HTML क्लोजिंग टैग्स। आउटपुट जो है यहाँ पे आप देखेंगे शेडो का बटन जो है इस तरीके से डिस्प्ले होगा। विड्थ है दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द विड्थ ऑफ द बटन। सिंटैक्स एलिमेंट विड्थ प्रॉपर्टी इस एग्जांपल में डिस्क्राइब किया गया बटन को विद द विड्थ प्रॉपर्टी टू सेट द विड्थ ऑफ द बटन। HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग जो है ओपनिंग टैग है टाइटल ओपनिंग टैग है बटन विड्थ प्रॉपर्टी टाइटल क्लोजिंग टैग्स स्टाइल है जिसमें बटन पुट किया गया पैडिंग है बॉर्डर नेम है बॉर्डर नन है सॉरी और फॉन्ट साइज है कलर व्हाइट है जो है बटन वन है बैकग्राउंड कलर रेड है विड्थ प्रॉपर्टी जो है पुट की गई है। इसके बाद जो है वो बटन टू पुट किया गया कलर ब्लू है 200 पिक्सल है बटन थ्री है कलर ग्रीन 50% है और यहाँ पे बटन फोर जो है वो आपने पुट करना है इस तरीके से। इसके बाद बॉडी है जिसके अंदर आप बटन वन पुट कर रहे हैं बटन टू है 100 पिक्सल 200 इस तरीके से जो है वो डिस्प्ले होगा। आउटपुट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसमें जो है वो 100 250% जो है इस तरीके से जो है वो डिस्प्ले होगा। ओवर इफेक्ट्स दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बटन इंटरफेस व्हेन द माउस ओवर्स माउस मूव्स ओवर। सिंटैक्स एलिमेंट होवर CSS प्रॉपर्टीज एग्जांपल में डिस्क्राइब किया गया बटन को विद द होवरिंग इफेक्ट ऑन द बटन। HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग जो है ओपनिंग टैग है टाइटल बटन पुट किया गया विद प्रॉपर्टी स्टाइल ओपनिंग टैग जिसमें पैडिंग बॉर्डर नन है फॉन्ट साइज पुट किया गया कलर व्हाइट है ट्रांजिशन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी जो है पुट की गई है और इसके बाद बटन वन है बैकग्राउंड कलर ग्रीन है 2 के अंदर ऑरेंज या 3 के अंदर जो है वो व्हाइट पुट किया गया। इस तरीके से आप जो डिस्प्ले कर रहे हैं स्टाइल और हेडिंग क्लोजिंग टैग्स। बॉडी ओपनिंग टैग जिसमें बटन क्लास पुट की गई है बटन B1 ग्रीन और ऑरेंज पुट किया गया बटन 1 एंड 2 बॉडी HTML क्लोजिंग टैग्स। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन पुट किया गया सेकंड जो है वो ऑरेंज पुट किया गया। थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज एवरीवन।